मैं ड्रीम था इंडिया के साथ खेलूंगा, वो अब राहुल द्रविड़ भी कोच था है ना। हाँ। जब मैं बॉलिंग किया फर्स्ट बॉल गिना, वो ने ऐसे बॉस के स्वीप मार दिया। मैं आई वाज शॉक्ड, व्हाट अ बैट्समैन आई वाज, ऋषभ पंत है वही। अब अभी अभी तो ऋषभ पंत वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन हो गए वर्ल्ड के है ना, अच्छे लगते हैं साथ में खेले है। ज्यादा इंस्पायर हुआ जब विराट रन मारते, अच्छे लगते हैं मुझे भी, जिसका उसका फिटनेस है, उसका रनिंग बिटवीन द विकेट है, मैं उसको ज्यादा ही फॉलो करता हूँ इस फिटनेस के बारे में। तो है जब वो टैटू शैटू, तो मुझे भी अच्छे लगते हैं टैटू बनाने या वो बियर्ड रखने में। बाबर आजम को आप पिक करेंगे अभी एज ए ओपनर दिखते, तो अभी वो वर्ल्ड नंबर वन ओडीआई रैंकिंग भी हो गए वो बाबर आजम, T20 भी अच्छे खेलता है बाबर आजम। मैं दो टीम के साथ अगर जुड़ सकता है तो एक तो है दिल्ली कैपिटल्स, जिसमें रिकी पोंडिंग जो कोच कर रहे हैं। रिकॉर्ड के लिए तो मैं वो रिकॉर्ड तो जब 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 खेलने पाओगे आप, रिकॉर्ड तो बन ही जाएगा ना। इस रिकॉर्ड के बारे में तो मैं कुछ नहीं सोचा था, 2022 का ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप है ना, उसके लिए तैयारी अच्छे कर रहे हैं हम लोग का ना, जो ग्लोबल क्वालिफायर है नेक्स्ट ईयर है ना। तैयारी, और आज हमारे साथ बड़े ही खास मेहमान हैं। बड़ी लोगों ने डिमांड करी कि यार कुशल भुरतेल एक नाम लगातार जो है, कभी आईसीसी के पेजेस पर वो देख रहे थे, नेपाल ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है डेब्यू के बाद T20 में, पहली तीन इनिंग्स में हाफ सेंचुरी लगाने का, ट्राई सीरीज फाइनल नेपाल ने जीता और उसके मैन ऑफ द टूर्नामेंट वो थे। कुशल सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस, जिस तरीके की शुरुआत हुई आपकी, बट थोड़ा सा क्या निराशा है कि फिर भी आप मानते हैं कि शुरुआत में ही ऐसी परफॉर्मेंस दी कि बाबर आजम को चैलेंज किया था मैंने। बाबर आजम जरूर वो प्लेयर ऑफ द मंथ जीत गए, लेकिन आपने भी पूरी तरीके से उन्हें टक्कर दी है। हाँ जी, थैंक यू सो मच। जिसको मैं फॉलो कर रहा था, जिस बाबर आजम फकर जमान, उसके साथ मेरे नॉमिनी हुआ तो अच्छा लग रहा था मुझे। अब बाबर आजम तो जीत लिया, आज खुशी हूँ, ज्यादा दुखी तो नहीं हूँ। डेब्यू के बाद फर्स्ट थ्री इनिंग्स में हाफ सेंचुरी किसी भी बैट्समैन ने रजिस्टर नहीं करी है अभी तक, आप ऐसे पहले बैट्समैन बने। पांच मैचेस में आपकी चार हाफ सेंचुरी रही, एक बस थोड़ा बीच में हो गया कि भाई दिखाने के लिए कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूं, बाकी चार हाफ सेंचुरीज आपने जड़ी। तो किस तरीके से बैटिंग को अप्रोच किया, और जो ट्राई सीरीज, हिस्टोरिक ट्राई सीरीज, काफी लंबे अरसे बाद नेपाल में जिस तरीके से टूर्नामेंट जीता, उस पर कुछ बताएं। जब सीरीज स्टार्ट हुआ था तो है ना, मेरा ये डेबी टूर्नामेंट भी था है ना, इसे रिकॉर्ड के बारे में तो मैं कुछ नहीं सोचा था सीरीज स्टार्ट होने के बाद। आगे जब नेदरलैंड्स अगेंस्ट नेदरलैंड मैंने मैच खेला, उसके बाद वो टीम ने और ओपनिंग पार्टनरशिप भी अच्छी हुई मेरे और आसिफ के, अगर वो उसमें 50 लग गया है। उसके बाद थोड़ा मैं मलेशिया के सेकेंड मैच में नर्वस हुआ था ऑनेस्टली, फर्स्ट मैच में ज़्यादा नर्वस तो नहीं था मैं, जस्ट फेयर टू फेलियर जैसा मैं जाके शो करता हूँ, अपने टैलेंट के शो करता हूँ बोल के किया था खेलने के लिए। और सेकेंड मैच भी अब मलेशिया के साथ अच्छे हुए, तो रिकॉर्ड के लिए तो मैं वो रिकॉर्ड तो अब जब 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 खेलने पाओगे आप, रिकॉर्ड तो बन ही जाएगा ना। इस रिकॉर्ड के बारे में तो मैं कुछ नहीं सोचा था, और खुशी तो वो हुआ जब हमें नेदरलैंड के साथ फाइनल जीता था और ओवरऑल टीम ने अच्छा किया है टूर्नामेंट में। और नेपाल के लिए बड़ी जीत है, जैसे हम बोल रहे हैं कि जो क्रिकेट वर्ल्ड में कहें उनकी जो जर्नी जिस तरीके से लगातार आगे बढ़ रही है, तो आपके आइडल कौन रहे जिनको आपने फॉलो किया है, और जिस तरीके से आपने क्रिकेट पिक करी वो कौन रहे आपके? जब हम 2014 में वर्ल्ड कप वो लीग स्टेज खेला था नेपाल, जब ये पारस दाई ज्ञान दाई खेला था, वहां से ड्रीम स्टार्ट हुआ था मेरा, मैं भी कभी वर्ल्ड कप खेल सकता हूँ, मैं भी वर्ल्ड कप खेलने का चाहना वहां से लग गया था मेरा है ना। अब आइडल तो वो नेपाल से पारस खड़का ज्ञानेंद्र मल्ला है जो अब कैप्टन हुआ है, उसे देख ले तो मैं ज्यादा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर फॉलो करता हूँ है ना, जिससे कि रिकी पोंडिंग मुझे ज्यादा ही अच्छा लगता है, अभी तो डेविड वार्नर अच्छे लग रहे, वो से मैं इंस्पायर हुआ हूँ अभी तक। अच्छा, तब भी आपका शायद वो जर्सी नंबर 14 वो रिकी पोंडिंग उसके पीछे। हाँ एग्जैक्टली उसे वजह रिकी पोंडिंग ले वजह मेरा जर्सी नंबर 14 है। अच्छा, आपने बताया पारस सर का आपने जिक्र किया, वो लेजेंडरी फिगर हैं आपके लिए नेपाल क्रिकेट में,
साथ ही साथ क्योंकि उन्होंने ऐसे बोला था कि एक स्टेज पर जब हम बात कर रहे थे कि नेपाल वर्ल्ड कप खेलेगा तो लोग बोलते थे पागल हो गए। उसके बाद नेपाल ने जो T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट भी किया, और अब आप लोग जिस तरीके से जर्नी आप लोगों की चल रही है, यंगस्टर्स जो हैं, आप लोगों का मिशन क्या है, अल्टीमेट गोल क्या आपको लग रहा है यहां से वर्ल्ड कप पार्टिसिपेशन, या आपको लगता है कि इसी तरीके से क्रिकेट हमारी चलती रही तो हम वर्ल्ड कप जीत भी सकते हैं आगे? अभी तो अब ये सीरीज देख ले तो लॉकडाउन के बाद 11-12 महीने बाद एक सीरीज हुआ है नेपाल में, और हमारा सोच वही था अब जब भी सीरीज स्टार्ट होगा हमने अच्छा करना है वर्ल्ड कप लगे। जब 2021 में वर्ल्ड कप तो हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन 2022 का ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप है ना, उसके लिए तैयारी अच्छे करने हम लोग का ना, जो ग्लोबल क्वालिफायर है नेक्स्ट ईयर है ना, वही सोच रहे सब प्लेयर अच्छे कर रहे हैं ना। वो वर्ल्ड कप जीत अभी तो वर्ल्ड कप जीत नहीं सकते, लेकिन वो वर्ल्ड कप खेलना तो सबका ड्रीम है, ये ओडिया स्टेटस बचाना भी सबके ड्रीम है। देख लीजिए अब मेरा ड्रीम तो वही टेस्ट नेशन प्लेइंग होना है, नेक्स्ट 10 ईयर्स लग जाए, नेक्स्ट 8 ईयर्स लग जाए, वही ड्रीम हमारा। तो अल्टीमेट गोल आपका भी टेस्ट क्रिकेट है, जैसे विराट कोहली भी हमेशा कहते हैं टेस्ट क्रिकेट सबसे ऊपर है। अल्टीमेट गोल वही है टेस्ट क्रिकेट है। अच्छा, विराट कोहली से भी इंस्पायर्ड हैं आप, क्योंकि जो आपके लुक्स वगैरह हैं, टैटू भी, फिटनेस को लेकर भी जिस तरीके से आपका है, बैटिंग ऑब्वियसली जिस तरीके से आप करंट जनरेशन में देखते हो तो विराट कोहली की कंसिस्टेंसी की हर कोई चर्चा करता है, तो विराट से कितने इंस्पायर्ड हैं और आप किस तरीके से उनकी बल्लेबाजी को देखते हैं? ज्यादा इंस्पायर हुआ जब विराट रन मारते अच्छे लगते हैं मुझे भी, जिसका उसका फिटनेस है, उसका रनिंग बिटवीन द विकेट है, मैं उसको ज्यादा ही फॉलो करता हूँ इस फिटनेस के बारे में। तो है ना, जब वो टैटू तो मुझे भी अच्छे लगते हैं, टैटू बनाने या वो ये बियर्ड रखने में, ही इज अ ग्रेट बैट्समैन, फॉलो तो सब लोग करते हैं विराट को, मैं भी करता हूँ एक। अच्छा, तो जैसे हम फैब फोर की बात करते हैं, अभी आपका बाबर के साथ कंपटीशन भी था आईसीसी का, जिस तरीके से वो टूर्नामेंट रहा, बाबर जिस तरीके से आगे आ रहे हैं, बाबर का नाम हो गया, विराट कोहली हैं, जो रूट, केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ, आपको अगर कोई एक बल्लेबाज पिक करना हो, सपोज आपको बोला जाए कि जी एक कंबाइंड मैच हो रहा है और आपके साथ आपका एक ओपनिंग पार्टनर अपने लिए पिक करना है, वो कौन होंगे? ओपनिंग पार्टनर अभी तो बाबर आजम, बाबर आजम को आप पिक करेंगे अभी? एज अ ओपनर देख लेते, अभी वो वर्ल्ड नंबर 1 ओडीआई रैंकिंग भी हो गया है वो बाबर आजम, T20 भी अच्छे खेलता है बाबर आजम। अगर हम ये बात करें आपकी जो बैटिंग स्टाइल जो रही, जो हमने वीडियोस भी देखे, आईसीसी ने भी ट्वीट किए थे, जो जिस तरीके की अटैकिंग बैटिंग आपने करी है, तो वो चीज आपने कैसे पिक करी? क्योंकि 2016 U19 वर्ल्ड कप जब आपने खेला तो आप एक मीडियम पेसर जो बॉलिंग में ओपनिंग करते थे, और अब आज सडनली सीनियर क्रिकेट में डेब्यू किया है तो एज टॉप ऑर्डर बैट्समैन, ओपनिंग बैट्समैन, वो कहां से चीजें चेंज हुई? वही जब मैं U19 खेल रहा था वो तो मैं बॉलिंग ऑलराउंडर से टीम में था, अब लास्ट ओपनिंग देख लेते लास्ट 2 ईयर से मैं ओपनिंग कर रहा हूँ, और मुझे वही फियरलेस क्रिकेट, अटैकिंग क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है एज ए ओपनर से, इसलिए टीम ने मुझे ओपनिंग दिया है यहाँ फ्रेंचाइज लीगहरू में, क्लब गेमहरू में। हाँ। वही अब लास्ट 2 साल से ओपनिंग कर रहा हूँ, और तो कुछ नहीं है, जस्ट गो एंड प्ले द सी द बॉल एंड हिट द बॉल, आई जस्ट थिंक सिंपल। अच्छा, डेव वॉटमोर जो टीम से जुड़े हैं, क्या उनका जुड़ना, क्योंकि एक प्रोफेशनल सेटअप्स में जो अलग अलग टीम्स के साथ उन्होंने सक्सेस देखी है, एज कोच आपने उनके साथ कुछ मतलब नया सीखा, कुछ नई क्रिकेट को जो कहते हैं ना कि जो कोई भी प्रोफेशनल हो जिसने इंटरनेशनल लेवल पर अलग अलग टीम्स के साथ हाई क्वालिटी खिलाड़ियों के साथ ऑपरेट कर रखा हो, तो वो कुछ नया आपको देता है, उन्होंने कुछ चेंज लाया माइंडसेट में या फिर बल्लेबाजी को लेकर जब वो टीम के साथ जुड़े? हाँ, अब एक ह्यूमन नेचर होता है ना, जब नया पीपल हो जाते तो एक्साइटमेंट भी न्यू होता है ना। इसके आगे भी मैं उमेश पटवाल सर से कोचिंग किया है, जब यहाँ विनोद दास सर से नेपाल की कोचिंग किया है, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक किया है मैंने एज ए बैट्समैन आगे है ना, वही डेव वॉटमोर सर एनालाइज किया और थोड़ा थोड़ा बताया, वही हेल्प हो रहा है मुझे अभी अभी तो। ये क्रेडिट सर को भी जाता है, डेव सर को मेरे बैटिंग में। अच्छा, क्रेडिट उनको भी जाता है। और संदीप लमेशन एक ऐसा नाम जो T20 सर्किट में ऑल ओवर द वर्ल्ड खेलते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, हाई प्रेशर सिचुएशन, उन्होंने कैसे बताया? क्योंकि लीडिंग विकेट टेकर वो रहे थे जो हम ट्राई सीरीज की बात कर रहे हैं, उनके साथ कुछ एक्सपीरियंस शेयर हुए जब आप नए आए डेब्यू कर रहे थे, क्योंकि U19 में भी आपने साथ में खेला है, उनके साथ लगातार बातचीत रहती होगी एज ग्रुप क्रिकेट से ही? हाँ, हम U19 से लगातार खेल रहे हैं अभी तो, है ना, अब जब वो IPL खेल रहा था, जब बिग बॉस खेल रहा था, मैं पूछ लेता था कैसे होते बैट्समैन, क्या वो सोच कैसे होते IPL में, बड़े बड़े प्लेयर का सोच कैसे होते, मैं
पूछ लेता तो वो भी शेयर कर लेता ना, और मैंने पूछ लेता तू डेब्यू करके कैसा नर्वस हुआ था कि नहीं डेब्यू में, ऐसा ऐसा पूछ लेता। वो ज्यादा फ्रेंडली है, वो सब कुछ बताता था। वो जब वो मैं पूछ लेता था वो, और जब वो मेरे स्टान से खेला था, मैक्सवेल कैसा माइंडसेट करता, स्टोनिस कैसा माइंडसेट करता, हुरिकेन से वेट कैसा, वो मैं पूछ लेता संदीप, और खुल के बता देता, और वो हेल्प हुआ है अभी तक तो। अच्छा, अगर सपोज आपको, आपके पास ये चॉइस हो कि आईपीएल की 8 फ्रेंचाइजीज में से किस टीम के साथ आप जुड़ना चाहोगे? मैं दो टीम के साथ अगर जुड़ सकता है तो एक तो है दिल्ली दिल्ली कैपिटल्स, जिसमें रिकी पोंडिंग के आपको तो कोच कोच कर रहे हैं, और एक है डेविड वार्नर वो हैदराबाद के। हाँ हैदराबाद। तो आपका मतलब ऑस्ट्रेलिया से बहुत तगड़ा लगाव है आपका, है ना? क्योंकि आप कह रहे हो कि मतलब मेरे को लगता था मे बी आप MS धोनी चेन्नई की तरफ जाओगे, लेकिन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के साथ आपका अलग से, शायद आपने बचपन से ही जो क्रिकेट देखी, जिस तरीके का अंदाज देखा ऑस्ट्रेलियंस का, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का, वो आपके दिल को बहुत ज्यादा मतलब छू गया है। जब जब मैं छोटा था है ना, अब जब मैं मैच देखता था, फर्स्ट मैच मैंने ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका देखा था शायद। उस ऑस्ट्रेलिया खेलने का एटीट्यूड हो गया, रिकी पोंडिंग का कैप्टनशिप हो गया, वो मुझे अच्छे लगे थे फर्स्ट में। वहीं से मैं ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया करके, पता नहीं ऑस्ट्रेलियन अच्छे लगते, ज्यादा रीजन तो अच्छा नहीं। अच्छा सपोज जैसे हम बात करें, अभी आपकी जर्नी की बात करें, आपको हल्का सा पीछे ऋषभ पंत की झलक दिख रही होगी, थोड़ा सा पीछे फ्रेम में दिख रहे होंगे, तो मैं आपको वापस लेकर चलता हूँ 2016, और ऋषभ पंत ने अगेंस्ट नेपाल जिस तरीके से बैटिंग की थी उस दिन, आप भी गेंदबाजी उनके सामने कर रहे थे, तो तब लगा था यार कि ऋषभ पंत आगे चल के वर्ल्ड क्रिकेट में इस तरीके से, जैसे अभी हम इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर्स के तौर पर उन्हें देखते हैं, कुछ वो याद करेंगे जब उन्होंने फास्टेस्ट 50 उस टाइम लगाई थी यूथ ओडीआईज में अंडर 19 वर्ल्ड कप में? हाँ, उस वर्ल्ड कप में उन्होंने 100 भी लगाया था शायद वेस्ट इंडीज के साथ या किसके साथ। हाँ, और अब मैं ड्रीम था इंडिया के साथ खेलूंगा वो, अब राहुल द्रविड़ भी कोच था है ना। अब जब मैं बॉलिंग किया फर्स्ट बॉल किया, उन्होंने ऐसे बॉस के स्वीप मार दिया, मैं आई वाज शॉक्ड, वाह व्हाट अ बैट्समैन आई वाज, ऋषभ पंत है वही है। अभी तो ऋषभ पंत वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन हो गए वर्ल्ड के है ना, अच्छे लगते हैं साथ में खेले, वो हो गए ईशान किशन हो गए, आवेश हाँ, खान, आवेश खान थे उस टीम में, आवेश खान भी उस टीम के, खलील खलील अहमद था, खलील अहमद थे, सरफराज खान वॉशिंगटन था, सुंदर वाशिंगटन सुंदर ने तो आउट किया मुझे। तो वही वो सब देख के अच्छा जरूर लगता होगा ना कि साथ के लड़के, जैसे हमारे चैनल का नाम भी है स्पोर्ट्स यारी, ऑब्वियसली आप अलग अलग टीम्स में रहते हो बट एज ग्रुप क्रिकेट में वो यारी बनी जाती है, लैंग्वेज उतना बड़ा बैरियर नहीं है, सब कॉन्टिनेंट के खिलाड़ी आपस में एक्सचेंज भी जरूर करते होंगे जब फील्ड पर जिस टाइम रहे होंगे, तो वो इंस्पायर करता होगा आपको भी कि भाई मुझे भी जैसे उन्होंने नाम बनाया है मुझे भी करना है। हाँ वही, अब आईपीएल खेल रहा था, देख रहा था मैं भी है ना, वो इंस्पायर तो कर रहे थे, अब क्या और तो कुछ नहीं। अच्छा, आपके जो डेब्यू रहे हैं नेपाल के लिए बड़े यादगार रहे हैं, जिस तरीके से आपने बात करी, अभी आपने जब T20s में डेब्यू किया है तो बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस रही, हिस्टोरिक आपका डेब्यू रहा, सीरीज भी जीते ट्राई नेशन सीरीज, एज ग्रुप क्रिकेट में भी अंडर 19 में भी, आई थिंक न्यूजीलैंड वाला पहला मैच था आपका डेब्यू था वो, हाँ, वो भी डेब्यू था न्यूजीलैंड के साथ अंडर और वर्ल्ड वहां पर कप भी नेपाल ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी थी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि नेपाल न्यूजीलैंड को हरा देगा, तो वो उसने भी आपको काफी पुश किया होगा जिस तरीके से परफॉर्मेंस रही थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड, क्योंकि उस टीम में ग्लेन फिलिप्स थे, जो भी हम बात करते हैं न्यूजीलैंड इंटरनेशनल्स में वो भी हैं, साथ साथ रचिन रविंद्र वो, और जो अभी इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज होनी है न्यूजीलैंड के लिए उनका भी नाम है, तो क्वालिटी प्लेयर्स थे, उनको हराना वो काफी एक बड़ा बूस्ट मिला होगा आपको। हाँ, ज्यादा ही अब एक बिलीव आ गया था वो न्यूजीलैंड का हरा गया ना, हम भी कुछ कर सकते हैं, वही बिलीव था। उसके बाद आयरलैंड का हराया, और इंडिया के साथ और बांग्लादेश के साथ तो हार गए हम, बिलीव आया था उसके साथ न्यूजीलैंड का हरा गया। अच्छा, अब जिस तरीके से आपने बोला है कि एज ग्रुप क्रिकेट में भी आपने जो इमर्जिंग टूर्नामेंट खेला था वहां पर भी इंडिया के सामने आपके मैचेस मुकाबले हुए थे, तो किस तरीके से आप लर्निंग कर्व क्या रहा आपको, जो आप बता रहे हो कि भाई मैं पहले गलतियां करता था, अब शायद जब मैंने बैटिंग करना ऊपर सीखा है, कुछ ऐसी इंस्टेंसेस रही जहां पर किसी से, किसी खिलाड़ी से, किसी फॉर्मर प्लेयर से, जैसे राहुल द्रविड़ का आपने जिक्र किया, किसी से कुछ बातचीत हुई हो, कुछ आपने टिप्स एक्सचेंज किए हों? हाँ, वो इमर्जिंग कप में तो मेरा ज्यादा अच्छा तो नहीं हुआ था, लेकिन शाम इंडिया के मैच के शाम में वो अरमान जाफर से मिला था, और मैं और उमेश उमेश पटवाल सर ने मिलवा था हमें अरमान जाफर से, और उसके थोड़ा माइंड सेट, उसका थोड़ा बैटिंग
थोड़ा बताया था उसने, उसे थोड़ा थोड़ा हेल्प कर रहा है, जैसा ट्रेनिंग कर रहा है। मैंने पूछ रहा था कैसे ट्रेनिंग कर लेते हो, कैसे खेलते हो, थोड़ा थोड़ा हेल्प भी कर रहा है उस अरमान जाफर की स्पीच से।